ये बॉर्डर का लास्ट गांव है। हाँ ये लास्ट गांव है। इसके आगे? इसके आगे कोई नहीं, तार बंदी है। यहाँ से कितना दूर पड़ता है बॉर्डर? यहाँ से होगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का बॉर्डर है। पूरा मिट्टी और गारे का यहाँ पर मकान बना हुआ है और ये पूरा आखिरी गांव है। इसके आगे जस्ट पाकिस्तान बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। जस्ट तार बंदी है और तार बंदी के जस्ट नजदीक में अपने भारत की साइड अंतिम गांव कह लो या फिर पहला गांव कह सकते हो, तो वहां पे मैं खड़ा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल विष्णु आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दोस्तों अपनी चल रही है सीरीज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विलेज लाइफ की, और आप देख सकते हैं मैं हूँ अभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के जस्ट नजदीक। ये है दोस्तों जैसलमेर जिला, और जैसलमेर जिले के जो आखिरी यहाँ से गांव पड़ता है आप लोगों को पता ही है तनोट, और उससे जस्ट पहले थोड़ा सा आता है घंटियाली गांव। ठीक है, ये इधर घंटियाली माता जी का यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है और ये पीछे गांव है। और हम जो चढ़ रहे हैं इस ऊपर बहुत काफ़ी ऊंचाई पर है, ऐसे कैमरे में नहीं दिखेगा, तो ये टीला है, टीले के ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से आपको गाँव का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए कैसा नज़र आता है, और ये कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखिए। यह भाई है पूरा बॉर्डर विलेज लाइफ, और इधर ये मैडम जी भी चल रहे हैं, सांस से काफ़ी फूल गई है, बंदी गिर नहीं जाए। सांस फूली क्या? सांस फूल गई यार, चढ़ने में काफ़ी मुश्किल है चढ़ना, देखिए ऐसे। और बहुत सारे लोग जो है वो ऊपर टीले पे जो है वो चढ़े हुए हैं, काफ़ी बाहर के टूरिस्ट आए हुए हैं। सम के दौरे तो ठीक है भाई, नाम से प्रसिद्ध हो गए, बाकी तो है नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये यहाँ के लोकल है हमारे, कार के ड्राइवर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दुर्ग सिंह। दुर्ग सिंह जी, तो ये हमारे साथ है कैब ड्राइवर दुर्ग सिंह जी, ये यहाँ के लोकल है। और नज़ारा देखिए भाई साहब, आहा कितना विरम्य दृश्य है, मतलब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बंदी अभी तक बीच में ही है। ऊपर आते ही काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग रही है, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं काफ़ी लोग जो है वो अटखेलियाँ करने लग रहे हैं और इन्जॉय के साथ साथ इस व्यू का भी आनंद ले रहे हैं। मेरी तो गजब सांस फूल गई यार। मैडम जी हवाएं कैसी लग रही है? वो गाना याद आ रहा है, ये हवाएं है ना। इतना सा ऊपर नहीं है ये, बहुत ऊपर है, इसको क्या कम मान रहे हो आप? दो सौ फीट है कम से कम, इतना फीता लेके मापने जाओ तो 200 से 250 फीट तो होएगा ही होएगा। कर लो ये नज़ारा भाई, देखिए भाई साहब और ऊपर आ जाइए। अब यहाँ से नज़ारा देखो यार, देखिए जो बकरियाँ जा रही है, गाड़ियाँ जा रही है, सुनसान सड़क, और उसके साथ ही ये देखिए पूरा का पूरा ये घंटियाली गांव एकदम दूर दूर तक काफ़ी डानियाँ, अब तो काफ़ी पक्की हो गई है। मैं जब 2 साल और उससे जब मैं पहले एक बार और आया था तब देखे थे कच्चे झोंपड़े थे और मिट्टी के घर, जैसे कि वो दूर तक ये मिट्टी के जो घर दिख रहे हैं ना, ये पूरा गांव मिट्टी के घरों का ही बना हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे सब पक्के हो गए हैं। और ये है इधर घंटियाली माता जी का मंदिर, और इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब पाक सेनाओं ने यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ तोड़ी थी, उनके अवशेष आज भी पड़े हैं। नीचे जाऊँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर। कितने सुंदर धोरे जो है वो आपको दिखेंगे पीछे, देखिए इस प्रकार से। और उधर वो दूर मैडम जो है वो अपना वीडियो का इंट्रो शूट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे धोरे हैं यार। देखिए लोग यहाँ पर कितने सारे आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जो नीचे है माता जी के दर्शन करके काफ़ी ऊपर यहाँ पर इंजॉय के लिए आते हैं। सम तो ठीक है, अपने नाम के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ जाओ तो डेजर्ट सफारी वगैरह, क्योंकि यहाँ पर सफारी वगैरह तो कुछ है नहीं, बाकी आपको दोहरों के मज़े लेने हैं तो आप इस गांव के अंदर देखिए काफ़ी ऊंचे ऊंचे टीले हैं, इनका आप आनंद ले सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरे। और गर्मियों के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब इनके दोहरों के ऊपर अगर है ना हम पापड़ रख देना तो 5 मिनट के अंदर, ज़्यादा शायद 2 मिनट के अंदर ही पापड़ सिक जाएगा। क्यों दुर्ग सिंह जी? इतना मतलब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो यहाँ पर जाता है, कम से कम आप यहाँ पर जो है वो पापड़ सेक सकते हैं, इसका मतलब ये दोहरे कितने तपते होंगे। अब जैसे मैं जैसे इस प्रकार से स्लीपर चप्पल के अंदर आया हूँ, क्योंकि मुझे पाँव के अंदर थोड़ी सी लग गई थी तो मैं जूते नहीं पहन पाया, तो अभी मैं ऐसे घूम रहा हूँ तो ठंडे दोहरे हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों के अंदर तो ये रेत नहीं है, ये लावा है, लावा। और रात के टाइम उसी दिन के टाइम जो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, वही इन दोहरों के अंदर रात के टाइम जो होता है वो जो नीचे आ जाता है।
बिल्कुल ठंडी रातें हो जाती है और ये धोरे भी है और रात के 10-11 बजे के करीब ये एकदम ठंडे हो जाते हैं। फिर वापस जैसे ही दिन हुआ, वापस सूर्य निकला, वापस एकदम गर्मी गर्मी। दूर दूर तक ये जो घर अपने को दिख रहे हैं ये गर्मियों के दिनों में ऐसे लहराते हुए दिखेंगे धूप के अंदर। तो इतनी धूप पड़ती है भाई साहब, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे धुआं निकल रहा है धरती में से। ये है भाई इस घंटियाली माता जी के प्राचीन जो कहानी है, इसको आपको वीडियो पोज करके इसको आप ज़रूर पूरा इतिहास यहाँ का पढ़ना। और यहाँ पे ये देखिए खंडित की गई देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगी, जो मुस्लिम लोगों ने तोड़ दी थी वो ये देखिए पूरी खंडित कर दी थी ये मूर्तियाँ इस प्रकार से। और शुरुआती लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं कि बहुत समय पहले मुस्लिम लोगों ने बॉर्डर के पास वाले गांव पर काफ़ी अत्याचार करके पूरे गांव के सभी लोगों को ख़त्म कर दिया और उस गांव में केवल एक महिला बची थी। तो ये इस प्रकार की कहानी, आप पूरा वीडियो पोज करके पूरा ज़रूर पढ़ना। मैं तो इतना लंबा चौड़ा पढ़ के दिखाऊँगा तो पूरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो भाई माता जी के कर लिए हैं दर्शन, दर्शन करने के बाद हम अब आगे तनोट की साइड बढ़ रहे हैं और जो भी छोटे छोटे कच्चे कच्चे गांव आपको बॉर्डर लाइफ जो है वो हम आपको कंटिन्यू दिखा रहे हैं। ये घंटियाली गांव है, इसके अंदर भी काफ़ी कच्चे घर मिल रहे हैं लेकिन काफ़ी थोड़े अंदर है और इतने ज़्यादा मतलब कच्चे नहीं हैं। तो आगे मैं आपको और भी दिखाऊँ क्योंकि यहाँ सारे एक जैसे मिट्टी और गोबर के ही बने हुए घर मिलेंगे, तो बहुत सारे आगे अपने को दिखेंगे। तो इसी वीडियो के अंदर ही मैं आपको कंटिन्यू आगे दिखाता हूँ। देखिए तो भाई मैं पहुंच चुका हूं तनोट गांव के अंदर और ये है अब आखिरी गांव, इसके आगे कोई गांव नहीं है। ये लगभग पाकिस्तान बॉर्डर पर अपने भारत की साइड आखिरी गांव है और पूरा आप ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में देखिए बिल्कुल कच्चे कच्चे मड गए यहां पर जो है हाउस बने हुए हैं, काफ़ी अब तो पक्के भी हो गए हैं लेकिन 2 साल तक पहले सारे कच्चे थे लगभग। ये देखिए इस प्रकार से ये मिट्टी के बने हुए, अब यहाँ से ये लोग जो है वो छोड़ के चले गए अपने अपने कहीं कहीं खेतों के अंदर। तो ये इस प्रकार से आगे दिखाता हूँ, देखिए घरों के स्ट्रक्चर किस प्रकार से और यहाँ का जीवन कैसा है। देख सकते हैं इधर ये कुछ नए पक्के घर बन गए हैं, एक छोटा सा छपरा बना हुआ है और इधर ये पीछे कच्चे घर हमको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए छोटे बकरी जो बच्चे हैं वो रखने के लिए, राम राम दादा। और ये इधर भी देखिए पूरा इस प्रकार से कच्चा घर है। तो दादा अब तो लगभग पक्का हो ये मकान तो? हाँ, तो पहला मतलब कच्चा कितना साल? ये कच्चा मकान है। कितने साल तक मतलब कितना साल पहले तक सारा आप कच्चा है? 65 साल पहले यार कच्चा ही है ये, दो एक साल दो हुआ है उसके बाद में। अच्छा, एक डेढ़ साल बाद में है किसी का नहीं, अभी जैसे एक डेढ़ साल के अंदर अंदर ही ये पक्के बने हैं। एक डेढ़ साल के अंदर, बाकी पूरा कच्चा ही? पूरा कच्चा कच्चा। मिट्टी कौन मिलती है? मिट्टी 3 किलोमीटर साल ले आओगे। अच्छा, वो साल ले आने पड़ा, ट्रैक्टर भर भर ले आओगे। नेनु आ गया लिया तो बेटा बैठो लेना। अरे 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 धरती यार, अरे बैठो, अरे बाबू जी आओ दरी लेना वहाँ। ये है बाबूजी भाई, लेके बर्तन बर्तन नीचे दूध वगैरह ले दो। अच्छा, दूध तो इसके अंदर फटता नहीं है दूध, मतलब फ्रिज का? ये आ गई है भाई दरी, रात को ढकता बिल्ली है जैसे, बिल्ली वगैरह से। अच्छा, बिल्ली से बचा के बचा के दूध बचा के रख लेंगे। बैठो, तो इसमें सब्जियां सब रख देते हैं, सब्जी वगैरह जैसे आप रात को खाना बना दिया सब्जी बच गया इसके ऊपर रख देते हैं। बिल्ली है, कुत्ता है, गर्मियों में भी रख देते हैं, गर्मियों में भी रात के टाइम में बाहर रखते हैं। अच्छा, दिन को तो वैसे अंदर रखते हैं। नहीं, जैसे गर्मियों का मौसम होता है, अभी तो जैसे सर्दियां चल रही है, गर्मियों के मौसम में भी इसमें नीचे अंदर रखते हैं। गर्मी है तो गर्मी इसको छाया में रखना पड़ता है। अच्छा, या उसके ऊपर ऐसे दिया या कपड़ा डाला? नहीं, कपड़ा डाला। तो आपके जैसे दूध वूध निकालते हो तो दूध मतलब फ्रिज तो है नहीं? फ्रिज ही है, अभी फ्रिज भी है, अभी तो फ्रिज हो गया। अच्छा, पहले नहीं था, था फ्रिज पहले नहीं था तो किसमें रखते थे दूध? पहले यही तो है इनका, तो यही है ना फ्रिज, ये उनके लिए फ्रिज है, देसी फ्रिज है। हाँ, ये देसी। अब दादाजी थोड़ी पुरानी बात, आप तो काफी बुजुर्ग हो, 65 वाली लड़ाई रही कुतराला की याद है आपने पुराना मतलब कोई मना सुनो मामा अच्छा
रामगढ़ चले गया। अच्छा रामगढ़ चले गए थे आप? पैसे तो पहले रामगढ़ चले गए ना, इधर से थोड़ा दिया ना गाँव। हाँ गोला बाड़ बढ़ने लगा था, पैदल पैदल इधर से गए थे। गाड़ी कहाँ थी? ऊँट थे। ऊँट भी जंगल में थे, कहाँ थे? गोला पड़ने में बीच में बोला अभी यहाँ से भागो, हम तो नौकरी हमारे, हम मर रहे हैं तो हमारा तो नौकरी, आप क्यों मार रहे हैं बीच में? आप पीछे भागो। जैसे बच्चे लेके रात निकले। और गांव वाले जो युवा थे उन्होंने सेना की भी मदद की थी? हाँ, तो फिर बाद में धीरे धीरे तो बनना है बना, जिसके पास अभी ऊँट है तो सेना की मदद करना है। नहीं अभी बॉर्डर में बैठे तो उनका सहयोग हमारे को, हमारा सहयोग उनको। ये बॉर्डर का लास्ट गाँव है? हाँ ये लास्ट गाँव है। इसके आगे? इसके आगे कोई नहीं, अगर तार बंदी है। यहाँ से कितना दूर पड़ता है बॉर्डर? यहाँ से होगा 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो यहाँ से मतलब लोग ऐसे आते जाते हैं या ऐसा कुछ? अभी खाना, अभी तो तार बंदी लग गया कोई आने जाने का। पहले आते थे लोग? पहले आते थे, खुला था उस टाइम, आते जाते थे, लेकिन अभी तो बहुत। पहले शादियाँ भी होती थी ऐसे? पहले तो इधर से जाते उधर से आते, खुला था। तो कितने सालों से बंद है? अभी तो काफी टाइम हो गया। 65 से अपना भैरू सिंह सिखा था ना, 1995 में लगभग तार बंदी हुई। हाँ उसी टाइम हुआ था। अभी देश का क्या हाल है? अभी देश का हाल तो अब तो ठीक है, मोदी जी है। डरते थे, पहले डरते थे, पहले डरते थे, माल मवेशी रहने नहीं देते इधर से, लेके चले जाते भाग दौड़। तो पहले यहाँ पे जैसे ना, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, ऐसे ऊँट में ना कुछ ले जाके उधर दे देते थे और ये सब होता था। ऊँट पे चलते, ऊँट का इशारे था और कहाँ जाम, पहले कहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं था, ऊँट के ऊपर जाते थे, ले जाते पानी भी, तो सब ऊँट पानी पर वगैरह सब खाना। अभी अभी यहाँ पे पानी की सप्लाई आ गई है? अभी पानी है, ये जल्दी बनाया उधर से वाटर पाइप से, मतलब अब तो सुविधाएं हो गई है। पहले अभी सुविधा है साहब, बहुत सुविधा, अभी पानी है, राशन पानी, राशन पानी तो अभी रामगढ़ से लाना पड़ता है। नजदीक वही मार्केट है, 65 किलोमीटर यही है, क्योंकि अभी तो बस अपने गवर्नमेंट की बसों आ रही है, दो एक प्राइवेट आ रही है, एक अभी सुबह 9 बजे आया था, अभी वापस गया 12 बजे। अभी तो गाड़ियों की भी सुविधा होगी ना, आराम में बसों में आने जाने की। अभी हफ्ते हमको जाते हैं राशन पानी लेके आते हैं। तो राशन वाला भी तो मिलता होगा ना, वो फ्री वाला भी? हाँ राशन वाला वो फ्री, वो अनाज ही मिलता है अभी तो, पहले अभी मिलता था किट वगैरह थोड़ा बहुत, कोई दाल है, कोई तेल है या मिर्ची है ना, हल्दी है, मसाला। अभी, उगता तो अभी कुछ नहीं बंद हो इधर, कुछ नहीं इधर, रामगढ़ में उगता, कंट्रोल नहीं। जैसे कोई उगाना चाहे तो भी कुछ नहीं उगता, उगाना यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ पानी है खरा है, नमकीन पानी है, नमकीन पानी से नहीं निकलेगा। यहाँ जैसे नीचे से बोरवेल खोदे तो बोरवेल, बोरिंग किया है वो खरा पानी, कड़वा है। अच्छा अंदर से भी कड़वा है, पहले से कड़वा है, जब तो नहीं तो आबादी होने से तो बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी। तो आप वैसे नौकरी कहाँ करते हो जी? नौकरी करते कहाँ? हम तो इधर घर में ही, नौकरी कहाँ करना है, काम अभी तो कह रहे हो पहले करते थे। पहले लड़का कोई नौकरी नहीं करते, पहले भी हम ये काम ये रोड के ऊपर करते थे। अभी कोई लड़के अभी लगे हैं, कोई नौकर है? अच्छा जैसे अभी पहले पढ़ते थे, अभी मेरे दो भतीजे अभी नए मास्टर लगे, मेरा लड़का जैसलमेर में, इधर रामगढ़ में, रामगढ़ में लगे। अभी एक लड़का मेरा बड़े वाला इधर ऑयल इंडिया कंपनी में इधर ही है, जैसे पढ़ाई किया हुआ है। तो मजदूर नहीं मिलते? मजदूरी है पैसे नहीं, नहीं उतने कहाँ से ले आएंगे इधर, कहाँ क्या कोई है नहीं। तो यहाँ पे जैसे घर वर बनाते हैं तो पत्थर वत्थर कहाँ से आता है? पत्थर जैसलमेर से आते हैं, जैसलमेर से। और सीमेंट? सीमेंट सब जैसलमेर से, रेता उधर से, इधर तो ये खाली बेलू है, रेता है। तो ये जो रेत, ये जो लगाते हैं, ये वाली रेत थोड़ी लगाते हैं? नहीं नहीं वो दूसरा है, वो सफेद वाली पड़ी ना वो है। अच्छा वो जो सफेद वाली पड़ी है नहीं? तो वो कहाँ से आती है? वो आता है सोनू से आगे 6-7-10 किलोमीटर रामगढ़ से पहली तरफ। अच्छा रामगढ़ से आता है सब? सब उधर से आते हैं। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये इस प्रकार से पूरा मिट्टी और गारे का यहाँ पर मकान बना हुआ है और ये पूरा आखिरी गांव है। इसके आगे जस्ट पाकिस्तान बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जस्ट तारबंदी है और तारबंदी के जस्ट नज़दीक में अपने भारत की साइड अंतिम गांव कह लो या फिर पहला गांव कह सकते हो, तो वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और आप ये पीछे जो देख रहे हो बिल्कुल कच्चे कच्चे घर है और दूर दूर तक जो महिलाएँ हैं वो सिर के ऊपर पानी लाती हुई दिखाई देगी, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देख सकते हैं आप, महिलाएं जो है वो पानी जो है वो इस प्रकार से घड़ों के माध्यम से सिर पे उठा उठा के टंकियों से, ये जो बड़ी जो टंकी बनी हुई है यहाँ से लेके घरों तक जाते हैं। पूरा पुराने एकदम देखिए मिट्टी के घर है, अब ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, है ना। आने वाले समय में आपको ये इस प्रकार के फिर गारे और मिट्टी के गोबर के ये मकान आपको नहीं मिलेंगे आपको, तो ये अब कुछ अवशेष ही बचे हैं जो हम आपको फिर आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से देखेगी कि भाई ऐसे हुआ करते थे।
यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि पुराने समय में जो घर बनते थे वो इस प्रकार से देखिए हाथों से ही बनते थे और किस प्रकार से देखिए जो मूड़ होती है, जो ये मिट्टी होती है, इसी से ही ये बनाते थे घर। ये देखिए इस प्रकार से। और अब तो ये पूरा खाली हो गया है। और इनकी छतें कैसी होती थी आप देखिए, ये पूरी देखिए नीचे से गटर वगैरह लगाकर लोहे का और फिर लकड़ियों का सपोर्ट देकर ऊपर मिट्टी डाली है इन्होंने, है ना, ताकि ये ठंडा भी रहता था और बाकी तो कोई उपाय नहीं था, है ना। तो ये सिस्टम था। इधर ये खीप की छत वगैरह है, आप देखिए ये पूरा इस प्रकार से। थोड़ा सा मैं आपको अंदर से भी दिखाऊँ तो ये है। और ऊपर से देखिए इन्होंने, नीचे देखिए मिट्टी का जो है वो दीवार बनाया हुआ है और ऊपर से इन्होंने क्या कर दिया, सीमेंट का कर दिया, है ना। तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से है। अब इन घर वालों ने कहीं और जगह ढाणी बना ली है। और ये कुछ नज़ारे हैं भाई यहाँ के। पर एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, देखिए हिरण के सींग। आप देखिए हिरण की खोपड़ी समेत यहाँ पर आपको सींग दिखेंगे। ये शायद किसी कुत्ते वगैरह ने इनको मार दिया होगा। और इनके सींग जो है वो काफ़ी गाँव में काम आते हैं, जो चारपाई वगैरह बनाने के अंदर वगैरह इस प्रकार से गाँव में इसको काम लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से है भाई। पूजा मैडम जी जो है वो घर के अंदर चले गए हैं काफ़ी बातचीत वगैरह करने के लिए। लेडीज़ है तो लेडीज़ से बातचीत कर सकते हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा जेंट्स से बात कम करते हैं। राजपूत गांव है ये पूरा। इस प्रकार वो देखिए अंदर घूम रहे हैं, कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं राजस्थान का जो इतिहास है, और राजस्थान का इतिहास राजपूतों से जुड़ा हुआ होता है और पुराने समय से ही परंपराएं आज भी इन जो पारंपरिक जो गांव हैं इनके अंदर निभाई जाती है। जो राजपूतों की जो महिलाएं हैं आज भी दूसरे अनजान मर्द से बातचीत नहीं करते हैं, पर्दा रखना वगैरह। सामने अगर कोई आदमी आता हुआ दिख गया तो ऐसे घूंघट निकाल के ऐसे मुँह छुपा के साइड में हो जाएंगे, वो आदमी निकलेगा फिर वो उसी रास्ते को पार करेंगे। तो ऐसा, क्योंकि मुझे घूमते हुए 2 साल हो गए, मैं काफ़ी इधर बॉर्डर के बहुत सारे गाँव मैंने कवर किए हैं। आप बॉर्डर विलेज लाइफ यात्रा गुरुजी लिखोगे बहुत सारे आएंगे। काफ़ी बॉर्डर के गांव मैंने कवर किए हैं, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे गांव और वीडियोस देखने को मिलेंगे, मिलियंस में गए हुए व्यूज़ हैं। तो एक्सट्रीम यात्रा करना मुझे पसंद है और इस प्रकार के कल्चर, जो पुराना ओल्ड कल्चर है, वो इस प्रकार से ओल्ड गाँवों के अंदर ही मिल पाएगा। और वो भी अब धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के अंदर तब्दील होने लग रहा है। जैसे जैसे डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है, शिक्षा बढ़ रही है, इंटरनेट का ज़माना आ रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक का ज़माना आ रहा है, और धीरे धीरे ये देखिए मॉडर्न टाइप की ये जो टूरिस्ट है इन पुराने ओल्ड विलेजेस में आते हैं, तो फिर यहाँ के बच्चे भी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाते हैं।